नहीं होगा कि मैं एक इंच पीछे नहीं हटूंगा, मैं घमंड करता हूं कि मेरी सरकार है, तुमको कुचल दूंगा, तुम अगर सामने आओगे तुम्हारे ऊपर देशद्रोह कर दूंगा। तो जनता इस चीज से परेशान है और अतुल त्रिपाठी ये चाहता है कि एक पॉजिटिव पॉलिटिक्स हो देश में। सर, जो शाहीन बाग का जो आंदोलन है उसको पहली बात तो इस सरकार ने समझा नहीं है। जो मूल भावना थी शाहीन बाग के पीछे, जो अन्याय की बात कर रहा था शाहीन बाग, देखिए शाहीन बाग को कम्युनल जोड़ दिया गया, सांप्रदायिक बताने की कोशिश की गई कि शाहीन बाग जो है पाकिस्तान प्रायोजित है, शाहीन बाग जो है वो मुसलमानों का ही एक आंदोलन है, शाहीन बाग तमाम तरीके के जो ढकोसले हैं वो। आज मैं ये पूछना चाहता हूँ, शाहीन बाग ने तो कभी ये डिक्लेयर नहीं किया कि मैं इस पार्टी का समर्थन करता हूँ, शाहीन बाग ने तो कभी ये नहीं कहा कि मैं इस नेता का। शाहीन बाग एक खुला मंच बना और खुला मंच NRC, NPR और CAA के विरोध का बना और इसको पूरी दुनिया ने देखा। तो आज जो सरकार, सबसे पहले तो सरकार की जो मूल भावना है वो कभी वो समझ ही नहीं पाई कि शाहीन बाग आखिर क्या चीज़ है। मैं ये कहना चाहता हूँ माननीय न्यायालय के फैसले का पूरा स्वागत करते हुए कि ये पहले तो ये सरकार कह रही थी कि विरोध करना जो है वो किसी सरकार के खिलाफ वो देशद्रोह है, और आज आप देख ही रहे हैं हिंदुस्तान के छात्रों के ऊपर, हिंदुस्तान के ऑपोजिशन के लीडर के ऊपर आज जो देशद्रोह के मुकदमे का मजाक बनाया गया है, किसी भी को, एक्टिविस्ट को, छात्र को उठा करके देशद्रोह का मुकदमा कर दे रहे हैं। लेकिन अतुल जी, एक बात समझ में नहीं आई, CAA का लगातार विरोध कर रहे हैं, पहले दिन से देख रहे हैं संजय हैंकले, और उन्हीं तो मध्यस्थता करने के लिए कोर्ट ने कहा है, ये क्या समझ? सर, कल ही शाहीन बाग कोऑर्डिनेशन कमेटी का मैं भी सदस्य हूँ और कल ही हमने गृह मंत्री जी से, अमित शाह जी से मिलने का समय मांगा। आपको पता है 40,000 जवान, 50,000 लोग खड़ा कर दिए पुलिस के, इतनी मात्रा में लोगों को, भीड़ को, पुलिस को खड़ा कर दी सामने। हम ये बस कहना चाह रहे थे कि हम जो है एक स्थायी कमेटी बना के अमित शाह जी से मिलना चाहते हैं और हम उनसे आश्वासन चाहते हैं कि ये जो कुछ क्लॉज है जो CAA के, जिससे कि हमें परेशानी है, बहुत पूरे देश भर के जो लोग हैं उनको परेशानी है, उन क्लॉज को बदल देने की हमने बात रखी थी, उस पर भी अमित शाह जी ने मिलने का समय नहीं दिया। उल्टे जो अधिकारी हैं, जो पुलिस के लोग हैं, वो ये डरा रहे हैं कि यहाँ से अगर आप एक इंच भी आगे बढ़े तो आपको जो है आपका हाथ पैर तोड़ दिए जाएंगे, आपको बंद कर दिया जाएगा, आपके ऊपर मुकदमे हो जाएंगे। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आखिर इस सरकार की मंशा क्या है इसके पीछे? ये जो है ना आगे जा रही है ना पीछे जा रही है, ये यथास्थिति को बनाए रखना चाह रही है और ये इसी व्यवस्था पर राजनीति करना चाह रही है। जामिया के कोऑर्डिनेशन कमेटी ने एक वीडियो वायरल की, उस वीडियो के वायरल होने के बाद लगातार बोर सा छिड़ गया, लगातार वीडियो आ रही है, कैसे देखते हैं? देखिए जामिया, ये तो सनातन सच है कि जामिया पे जिस तरीके से इन लोगों ने छात्रों के ऊपर बर्बरता की, लोगों ने क्या, पुलिस ने जो बर्बरता की है, जिस तरीके से मारा है सर, एक दो दो लोगों की आंख फोड़ दी गई है। आप ये बताइए, लाइब्रेरी के टॉयलेट में कहां हिंसा उग्र हो गई और पुलिस को क्या इतनी नफरत आ गई, किसने पुलिस को ये आदेश दे दिया कि तुम जो है छात्रों का आंख फोड़ दो? ये अमानवीय जो व्यवहार है पुलिस का, मैं ये पूछना चाहता हूँ इसके पीछे कौन है? इसके पीछे देखिए, पुलिस को आदेश मिलता है, पुलिस हमारे जैसे आप जैसे ही लोग हैं, इसके पीछे जो लोग हैं जो नफरत फैला रहे हैं, जो गोडसे की विचारधारा के समर्थक हैं, हमको उन्हें चिन्हित करना होगा, हमें उनके ऊपर कार्रवाई करना पड़े। और विडंबना ये है इस देश की कि जो गोडसे की विचारधारा के लोग हैं वही प्रशासन चला रहे हैं, वही शासन चला रहे हैं। अभी डोनाल्ड ट्रंप का दौरा है, भारत दौरा है, और अहमदाबाद में एक खबर देखी गई है, पूरी वायरल हो रही है सोशल मीडिया पे, कि जितनी भी झुग्गियाँ हैं उनके बीच में एक दीवार खड़ी कर दी ताकि दिखाई ना दे, कैसा देखते? कहा जाता मोदी जी तो विकास पुरुष है, लेकिन उस दीवार को खड़ा करके क्या साबित करना चाहते? जनता देखे ना कि गुजरात का ये विकास का मॉडल है या विनाश का मॉडल है। अगर माननीय प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि 15 साल में उन्होंने जो है गुजरात को एक वर्ल्ड क्लास
स्मार्ट सिटी बना दी, तो आज थूक के चाट क्यों रहे हैं? आज जो है, आज उसको छुपाने के लिए, आज अपने कारनामे को जो इन्होंने कुकर्म किया है उसको क्यों दीवार से छुपा रहे हैं? और ये न केवल गरीबों की बेइज्जती है, ये इंसानियत की बेइज्जती है। ये इसका मतलब है कि कल को आप जो है इनको कुछ भी मरवा के वहाँ से निकलवा सकते हैं, वहाँ पे कुचल सकते हैं, अगर आज आप दीवार खड़ा कर दे रहे हैं। और मैं ये पूछना चाहता हूँ, अमेरिका साहब इंडिया नहीं है, अमेरिका हमसे बहुत आगे है, उसके पास बहुत टेक्नोलॉजी है। अगर ट्रंप को गुजरात का मॉडल देखना है तो बड़े बड़े सेटेलाइट हैं, वो झुग्गी झोपड़ी आइडेंटिफाई कर देगा, वो आपके दीवार ढकने से नहीं होगा। ज़रूरत ये है कि जनता को बेवकूफ़ बनाना, उसको बरगलाना, उसको जो है उसके मूल अधिकारों से वंचित रख के एक गंदी राजनीति करना, इसको आप पहले बंद करिए। आप जो कहते हैं विकास का मॉडल सच में ले आइए, ये जो आपका मॉडल है ये विनाश का मॉडल है, ये विकास का नहीं लगता, विकास भरोसा मोदी जी। नहीं, देखिए, झूठ, फरेब और कुचलने पे ये सरकार का गठन हुआ है, साफ साफ इनकी कोई नियत नहीं है। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में कहावत है भौकाल, भौकाल, भौकाल टाइट है, तो इस सरकार का भौकाल टाइट है, ये भौकाल जनता पार्टी है, तो भौकाल इतना टाइट है। लेकिन सरकार तो कहती है हम संविधान में के दायरे में रहकर डंके की चोट पे फैसले लेते हैं। अरे सर, अगर संविधान के दायरे में ही रहते, आज आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 21 का साफ साफ उल्लंघन है। और ये NRC, NPR और CAA कह रहे ना, आपको मूल चीज मैं आज बताना चाहता हूँ जिसपे ये बार बार लोगों को भटकाना चाह रहे हैं। देखिए, सबसे पहले इन्होंने कॉपी करने, ये कॉपी कैट है, ये तो आपको मानना पड़ेगा, जो कांग्रेस की नीतियाँ थी उन्हीं को ये जो है नाम बदल के चस्पा करके ले आके दे दे रहे हैं। और उदाहरण के रूप में आप GST देखिए, जिस GST को राहुल गांधी ने फाड़ दिया था उस GST को ये लेके आए, जिस आपका आधार का लोगों ने विरोध किया, इन्हीं लोगों ने सदन को जाम कर दिया, सदन में हल्ला काटा, उसी जो है कानून को फिर ये लेकर दोबारा चले आए। फिर आप देखिए नोटबंदी, जो कांग्रेस पार्टी ने 4 बार कर चुकी है, वही ये फिर से लेके आए। इनकी मंशा CAA के पीछे ये थी साफ साफ। जब कहा जाता है कि संविधान का उल्लंघन हो रहा, कहना कि संविधान को दबाया जा रहा, तो जुडिशरी कहाँ पर है उस टाइम? यही तो विडंबना है। अगर जस्टिस लोया को किसी निर्णय से पहले खत्म कर दिया जाता हो तो आप समझ सकते हैं कि जस्टिस का क्या हाल है कि जो न्याय के जो शागिर्द है, जो न्याय करने वाले हैं, अगर उन्हीं को मार दिया जाता है, उन्हीं को डरा दिया जाए, अगर इस देश में पहली बार हुआ था कि जुडिशरी ने खुला जो है आकर के प्रेस वार्ता की थी, आप लोगों ने इस चीज़ को दिखाया था और आपने इस चीज़ को चलाया भी था, कि आज स्थिति इतनी खराब हो गई जुडिशरी की कि जजों को आकर के ये बोलना पड़ रहा है कि भैया केस जब बांटा जाता है सुप्रीम कोर्ट में तो वहाँ पर ये कहा जाता है कि कौन फेवर वाला है उसको केस दे दिया जाए। तो आप समझ सकते हैं, देखिए, किसी भी दुनिया में जब लोकतंत्र खतरे में पड़ता है तो सबसे पहले तीन चीज़ों पर जो है आक्रमण होता है, पहले संविधान, दूसरा जुडिशरी और तीसरा एडमिनिस्ट्रेशन और चौथा आपका जो है मीडिया। अगर इन 4 चीज़ों को आप ध्वस्त कर दिए तो आप जो है इस युग के नए हिटलर बन जाएंगे, और उसी पर इस सरकार ने आक्रमण किया। तो क्या न्यायपालिका दबाव में काम कर रही है? बिल्कुल, न्यायपालिका दबाव में कार्य कर रही है। अगर दबाव में कार्य नहीं करती तो हर नियम पे, हर जो ये देखिए, आज अभी विमेन कमीशन पे, सुप्रीम कोर्ट में इन लोगों ने, इनकी महिला विरोधी मानसिकता देखिए, कि एक तरफ ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहते हैं और दूसरी तरफ ये सोचते हैं कि महिला जो है शारीरिक रूप से कमजोर है इसलिए वो सेना में DGP नहीं बन सकती और सेना अध्यक्ष के पद पे नहीं जा सकती। आप देखिए इनकी महिला विरोधी संकीर्ण मानसिकता, ये अपने वकील खड़ा कर देते हैं सुप्रीम कोर्ट में और कहते हैं कि भाई महिला का क्योंकि शारीरिक रूप से कमजोर है, उसको जो है निर्णय लेने लायक नहीं है, इसलिए जो है आप जो है उनको जो है उच्च पदों पर न बैठाएं। मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या ये आप
आपकी ये आपका जो डबल स्टैंडर्ड है, ये जो दो 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 मुहा चेहरा है, ये आप क्यों ऐसा करना चाह रहे हैं और महिलाओं के साथ आप क्यों ऐसा करना चाह रहे हैं? एक मेरा आखिरी सवाल है, तीन दिन पहले बनारस में मोदी जी ने कहा कि जो हमने फैसले लिए हम उन पार्टी के पीछे नहीं हटेंगे, तो क्या लगता है ये जितने आंदोलन हो रहे हैं विफल हो गए? तो यही तो तानाशाह सरकार का चिन्ह है भाई, घमंड कब होता है? अरे अगर आप एक ऐसी सरकार हैं जो जनता की बात सुनती है, जनता के मन की बात सुनती है, तो आप सुनिए ना जनता की बात। आप जनता तो कह रही है कि कुछ क्लॉज हैं उन पे बदलाव कर लीजिए, तो आप क्यों नहीं कर रहे हैं? ये घमंड दिख रहा है आपको और आप लोग को दिख रहा है कि आप एक इंच पीछे नहीं हटेंगे। अरे क्यों नहीं हटेंगे? आपके कहने से थोड़ी सरकार चले, आप तो चुन के आए हैं जनता की, तो जनता की मन की बात करिए, अपने मन की बात उन पे मत थोपिए। अतुल त्रिपाठी जी, आपको क्यों दुख हो रहा है? आप तो उसमें है, उस दायरे में, आप तो बाहर नहीं जा रहे हैं, आपकी नागरिकता तो नहीं छिन्न रही। यही तो मेरे भाई बात है कि अतुल त्रिपाठी क्यों चिंता में है। अतुल त्रिपाठी इसलिए चिंता में है, जब जो नियत है, जो इनके पीछे की नियत है कि किसी को एक बयान के आधार पर देशद्रोही साबित कर देना, किसी को जो पीछे की नियत है, आखिर ये बताइए डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? डेमोक्रेसी का सबसे पहला मतलब ये होता है कि हमारी माइनॉरिटीज़ के जो राइट्स हैं उनको जो है हम जो है मजबूत करें। आज जब माइनॉरिटी के उसमें ये डर है, एक डर है कि भाई हमारी नागरिकता छीन ली जाएगी, या उनके ऊपर ये पूर्वाग्रह से वो है, वो ये सोच से प्रेरित हैं, तो आज प्रधानमंत्री को सामने आकर के कहना चाहिए, बजाय उसके समर्थन में ये करने के, आज प्रधानमंत्री को जाकर के शाहीन बाग में कहना चाहिए कि देखो भाइयों, ये कतई है, मैं तुम्हारे विरोध में नहीं हूँ, तुम जो कहो मैं तुम्हारे साथ हूँ, और तुम्हें एक भी आदमी की मैं नागरिकता नहीं छीनूंगा। तो इससे होगा, इससे नहीं होगा कि मैं एक इंच पीछे नहीं हटूंगा, मैं घमंड करता हूँ कि मेरी सरकार है, तुमको कुचल दूंगा, तुम अगर सामने आओगे तुम्हारे ऊपर देशद्रोह कर दूंगा। तो जनता इस चीज से परेशान है और अतुल त्रिपाठी ये चाहता है कि एक पॉजिटिव पॉलिटिक्स हो देश में। देश में सच में अगर हम एक कंपैरेटिव पॉलिटिक्स करें, एक जनता को ये हम दिखाएं कि कैसे हिंदुस्तान आगे बढ़े, नफरत की, सांप्रदायिकता की, कम्युनलिज्म की, हेट्रेड की, इस पॉलिटिक्स को बंद करना चाहता है अतुल त्रिपाठी। इस संदेश से अतुल त्रिपाठी आया है जी। थैंक यू।